ओ नौजवान बच्चे, जवान छोटे बड़े, जेड़े स्कूल जेड़े कारोबार नाल तलक रखे वो लोग इतने मौजूद हैं, उन्हां लोगों ने नाल मेरी गुजारिश रही। अल्लाह मैं शुक्र अदा करने तो बाद हुकूमतां दा भी शुक्र दसांगी, अदा करना साड़ा लाजमन है। शुक्रिया अदा करने टाइम जरा शुक्रिया अदा लफ्ज़न आखना काफी है और सब तो ज्यादा इकट्ठे होके पैगाम पहुंचाना। कॉलेज वाले, डिग्री कॉलेज वाले बच्चों ने, नौजवानों ने, पद यात्रा हमारी चली 20 दिन, उसके बाद हमने तय किया था कि हम युवाओं के बीच जाएंगे। तो यूथ कन्वेंशन का हमारा सिलसिला शुरू हुआ पिछली संडे को, हमारा कोटरंका में था, आज यहाँ थन्ना मंडी में है। ताहिर शाल साहब ने और हमारे जहांगीर साहब ने कोऑर्डिनेट किया इस सारे कार्यक्रम को। हमारा मकसद यही है कि देखिए स्टेक होल्डर कौन है। कल को हमें एसटी मिलता है तो स्टेक होल्डर सबसे इम्पोर्टेंट पहले नंबर पे स्टूडेंट होगा, क्योंकि स्टूडेंट को जॉब चाहिए। स्टूडेंट को अगर जॉब नहीं मिलता तो स्टूडेंट को लोन चाहिए, स्टूडेंट को एंटरप्रेनरशिप के अंदर फिट होना है। तो जितने भी एवेन्यूज, जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी स्कॉलरशिप के, लोन के, जॉब्स के, वो स्टूडेंट्स को, नौजवानों को होने वाले हैं। तो जिन लोगों को ये बेनिफिट्स होने वाले हैं उनके पास जाना और उन्हें ट्रिगर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके पास आए ताकि उन्हें पता चले कि उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए सरकार ने क्या किया। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूथ कन्वेंशन थी हमारी थन्ना मंडी के अंदर, और यहाँ पे नौजवानों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा लिया। तो हमारा मकसद यही है कि पहाड़ी जो कबीला है, जो इतिहास की बात करता है, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात करता है, जो हमेशा सबको जोड़ने की बात करता है, जो किसी के खिलाफ नहीं बोलता, जो सबके भले की बात करता है, उस कबीले के नौजवान एक साथ बैठे और एक साथ बैठ के अपने मुस्तकबिल का किस तरह बेहतर बनाना है उसके लिए सोचे, और क्या क्या बेनिफिट्स उनको होने वाले हैं वो बेनिफिट्स भी उन्हें बताए जाएं, ताकि आने वाले समय में जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ है पहाड़ी कबीले की पॉइंट ऑफ व्यू से, और यह हमारी सरकार, मोदी सरकार और अमित शाह जी की सरकार, जिसने इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला लिया कि समझ लीजिए कि एक साल के अंदर हमारी तकदीर बदल गई। 4 अक्टूबर को अमित शाह साहब राजौरी आए और 20 अक्टूबर को उन्होंने मैडम ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर को राजौरी भेजा, और 3 नवंबर को NCST का क्लियरेंस हमें मिलता है, और इस बार के पार्लियामेंट्री सेशन में हमें जो हमारे ट्राइब का बिल जो वहां पे आया हुआ है, अब बिल इस बार हमारा एक्ट बनता है या नहीं बनता या आगे बनता है उसकी टाइमिंग पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने दबे कुचले पहाड़ी कबीले के लोगों का ख्याल। ये जो प्रोग्राम था, ये पहाड़ी एसटी फोरम की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया है सेंटर की सरकार को, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, हमारे जो स्टेट के बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी हैं, और विनोद गुप्ता जी, और सब की जिनकी मदद से हमें ये जो है स्टेटस दिया गया है। ये उसी सिलसिला में ये जो प्रोग्राम है ये रखा गया था यूथ की तरफ से, जिसका मकसद ये है कि उनका शुक्रिया अदा करना। और हम एक प्लेटफॉर्म पे था जो पहाड़ी यूथ कन्वेंशन था, उसके मुताबिक सात लोग जमा हुए हैं। इस यूथ कन्वेंशन का मकसद ये था कि जो यूथ है उसको अवेयर किया जाए कि एसटी मिलने के क्या फायदे हैं, उससे क्या हमारे अंदर बेहतरी आएगी, और इस काज को लेके हमें आगे कहां तक जाना है, और इस काज को हमने कैसे परस्यू करना है, आगे कैसे ले जाना है। इससे हम नौजवान नस्ल को, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में हो, चाहे वो लोन जो एंटरप्रेन्योरशिप में हो, उन्हें क्या आगे फायदे होंगे, इनको उनके लिए अवेयरनेस किया, एक कैंप की तरह काम कर रहा है। और दूसरा ये है कि ये शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का, दिनेंद्र झलक दिखलाए, जो हमें उम्मीद दिलाई, और हम और पूरे जो पहाड़ी कबीले को जो इकट्ठा करने में जो है एक अहम रोल अदा किया। बारिश हो या बर्फ, आंधी हो या तूफान, अब पावर बैकअप के लिए नहीं होना परेशान। हनीब मोटर्स के पास आए हैं एलिमैक्स पावर बैकअप जनरेटर्स। खरीदने के लिए विजिट करें हनीफ मोटर्स, एमए रोड, श्रीनगर, या डायल करें 6006750045 या 9419011444।